हे गाइस, वेलकम टू हेल्पेस्ट टीवी। गाइस, आपके आने वाले कल की जरूरतें, आपके आज की बचत यानी आज की आपके सेविंग्स और आपके किए गए इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करती हैं। जैसे हम लोग आने वाले कल में यानी फ्यूचर में अच्छा रिटर्न पाने के लिए यानी पैसा बनाने के लिए अपने पैसों को बैंक FD में या किसी और सरकारी स्कीम में, जैसे पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में या LIC में या जैसे स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड जैसी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो गाइस, पैसा कमाने और बचाने के एकदम अपोजिट है कि हम अक्सर त्योहारी सीजन में यानी फेस्टिव सीजन में ज्यादा खर्च कर देते हैं और त्योहारों के दौरान अक्सर बचत से ज्यादा हमारा खर्च हो जाता है, जिससे आपको फ्यूचर में आगे चलकर पैसों की शॉर्टेज पड़ जाती है। तो आपको अपनी लाइफ में अपनी जरूरी और बड़े खर्चों को पूरा करने के लिए टेंशन ना हो, इसके लिए आपको त्योहारों में यानी फेस्टिवल सीजन में खर्च करने से पहले आपको इन 5 फाइनेंशियल हैबिट, इन 5 आदतों को अपना लेना चाहिए। तो चलिए गाइस, डिस्कस करते हैं इन 5 फाइनेंशियल हैबिट्स के बारे में, इन 5 आदतों के बारे में, जिनसे आपको फ्यूचर में यानी आगे चलकर पैसों की कमी की टेंशन नहीं होगी। गाइस, सबसे पहले आपको अपना बजट और एक लिस्ट बनानी चाहिए। आपको अपनी जरूरतों के अकॉर्डिंग पहले ही खर्च की एक लिमिट तय कर लेनी चाहिए, अपना बजट बना लेना चाहिए। बजट बनाने के बाद आप अपनी खर्चों की लिस्ट बनाकर खर्च कम कर सकते हैं। लिस्ट बनाकर खर्च कम किए जा सकते हैं। जब आप जरूरी चीजों की लिस्ट बना लेंगे तो फिजूल की चीजों को खरीदने में आपका ध्यान नहीं जाएगा और खर्च कम हो जाएगा। दूसरी फाइनेंशियल हैबिट है गाइस के लुभावने ऑफर में हमें नहीं आना चाहिए। गाइस, त्योहारी सीजन के दौरान कई कंपनियां लुभावने ऑफर्स लेकर आती हैं। सस्ते सामान दिखने की वजह से एक के बाद एक कई चीजें बेवजह आप लोग खरीद लेते हैं, लेकिन जब खर्च ज्यादा हो जाता है तो आने वाले टाइम में पैसों को लेकर टेंशन बनी रह सकती है। इसलिए अच्छा होगा कि सिर्फ अपनी बनाई गई लिस्ट के अकॉर्डिंग ही खरीदारी करें और लुभावने ऑफर्स के चक्कर में ना पड़ें। गाइस, तीसरी हैबिट है कि आपकी कोई अदर इनकम यानी दूसरी साइड इनकम भी होना बहुत जरूरी है। आपके लिए इनकम का सिर्फ एक सोर्स होना काफी नहीं होगा। महंगाई के इस दौर में जरूरी है कि इनकम के एक से ज्यादा रिसोर्स हों। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने काम के साथ पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। आजकल तो लोग ऑनलाइन भी काफी काम कर रहे हैं, जैसे YouTube पर वीडियोस बनाकर एडवर्टाइजिंग के थ्रू कमाई की जा रही है, या ऑफलाइन या ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, या फिर अगर आप में कुछ स्किल्स हैं जैसे डाटा एंट्री, वेब डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, तो आप अपवर्क या फाइवर जैसी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन किसी के लिए काम कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। गाइस, हमारे चैनल पर ऑनलाइन पैसा कमाने के बारे में कई सारी वीडियोस अपलोड हैं, जिनको देखकर आप ऑनलाइन पैसा कमाना सीख सकते हैं। इन वीडियोस के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आप उसको रेंट आउट भी कर सकते हैं और मंथली पैसा कमा सकते हैं। वेल, इसके अलावा भी कई तरीकों को अपनाया जा सकता है, बस आपके ढूंढने की जरूरत है। गाइस, फोर्थ हैबिट से बहुत जरूरी है यानी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना, इन्वेस्टमेंट की आदत डालना। गाइस, आप अपने छोटे और बड़े फाइनेंशियल गोल्स को पाने के लिए कहीं अच्छी जगह पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स में, जहां आपको अमूमन 12% यानी 12% या उससे भी ज्यादा के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आप बैंक FD या पोस्ट ऑफिस FD में पैसा लगा सकते हैं या किसी और सरकारी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, या इसके अलावा अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप गोल्ड या प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही त्योहारों को ध्यान में रखते हुए उसके लिए पहले से बचत की जा सकती है, जिससे कि जब आपको जरूरत हो तो फंड की कमी नहीं हो। गाइस, फिफ्थ हैबिट यानी लास्ट हैबिट है कि कमाई को ध्यान में रखकर ही खर्च करें। गाइस, कई बार आपकी इनकम कम होती है लेकिन खर्च ज्यादा हो जाता है। ऐसे में आपने जो अपने लिए एक अच्छा बजट बनाया है, वही बजट आपके काम आएगा। इसलिए आपको चाहिए कि अपनी इनकम को ध्यान में रखकर ही अपना बजट बनाएं और उसी के हिसाब से पैसा खर्च करें। सो गाइस, ये थी 5 फाइनेंशियल हैबिट्स, ये 5 अच्छी आदतें जिनसे आप अपने खर्च कम करके अपने पैसों को बचा सकते हैं। तो गाइस, आज से ही ये आदतें आप अपना लीजिए। सो गाइस, ये थी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में छोटी सी जानकारी। होप आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको इस तरह की नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। गाइस, हमारे चैनल पर इस तरह की काफी सारी वीडियोस अपलोड हैं, जिनको आप देख सकते हैं। गाइस, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर
फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अप्रिशिएट योर टाइम।